अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरी तरफ से तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली को और तमाम मुसलमानों को जो मेरा चैनल देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से छोटी ईद की मीठी मीठी खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ईद से एक दिन पहले जो है ना, वो मेरे साथ एक सीवियर ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैं बिल्कुल भी नहीं व्लॉग अपलोड कर सकी और ना ही कोई रिकॉर्डिंग कर सकी। तो बस यहाँ भी बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड थी, बट बच्चे ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मामा के सारे बच्चे रेडी हो गए, हमें भी रेडी करें। हालांकि मैं इनको अदरवाइज़ जो बाकी ईदें होती हैं ना, तो 8 बजे मैं इनको तैयार कर देती हूँ। जैसे ही सब ईद नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सब मेरे बच्चों से मिलते हैं, लेकिन इस बार मैं इनको ऑलमोस्ट है ना वो 11:30 पे ही रेडी कर रही थी। बहुत मैं टायर्ड थी। मैं अपनी ट्रेजेडी जो है ना, जो मेरे साथ हुई, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये इनके ईद के ड्रेसेस थे जो कि ये नहीं दिखाना चाह रही थी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अरीज ने कहा कि मुझे कि मामा मैं हमारे ड्रेसेस जो है ना वो किसी को नहीं दिखाएं। तो ये इनके ड्रेसेस हैं जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। अगर किसी ने मंगवाने हों तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, तो मैं उनको ना लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप लोग इस ड्रेस को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट, बच्चों के लिए बहुत लाइट वेट में ये ड्रेसेस हैं। और यहाँ पे इनको ना इन ड्रेसेस के साथ ये छोटे से जो है ना वो बैग भी मिले थे, जो कि बहुत ही छोटे थे, जिसमें बस ईदी तो नहीं आ सकती, जस्ट कॉइन्स ही आ सकते थे, लेकिन ये इसके साथ ना बहुत अच्छे और बहुत क्यूट लग रहे थे। और मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे जो है ना व्लॉग शेयर करने हैं। मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आए हैं, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा और तबरुक जो है ना वो दिया, उसमें गिफ्ट्स भी थे, वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी, अपनी सारी जो है ना गिफ्ट्स, और इनके चाचू ने इनको क्या गिफ्ट दिए वो भी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई ना कि हम जब जाते हैं ना इस्लामाबाद, तो मेरा ये जो रूम है ना इन लॉज में, ये बंद होता है। उसकी वजह ये बनी कि हमारा रूम बंद होने की वजह से पानी जो है ना वो रेन का स्वीप कर गया, जिसकी वजह से पूरा पेंट, पूरा रूम जो है ना वो इतना गंदा हो गया कि मैं आपको उसकी पिक दिखाऊंगी सब व्लॉग के एंड में। आप लोग जब मेरा रूम की कंडीशन देखेंगे ना, आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये मेरा रूम नहीं हो सकता। जब मैंने डोर ओपन किया, जब मैंने रूम देखा, यकीन करें मुझे रोना आ रहा था। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी परदेश में रहते हैं ना, तो वो पीछे अपनों को ज़रूर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाएँ कि वो उनका रूम ओपन करें, सफाई करें, चीज़ों को, फर्नीचर को हवा लगनी चाहिए। यकीन करें मेरी हर एक एक चीज़ ऐसे थी, आप लोगों को जब मैं वो वीडियो और वो पिक दिखाऊंगी ना, आप लोग खुद कहेंगे कि मैं कैसे, मैंने सारा एक दिन में मैनेज किया। वो इस तरह हुआ कि हमने ना, हम थर्सडे पहुंचे थे, तो हमने ना सारा रूम को उसी दिन ही पेंट वाले को बुलवा लिया था, और आधा काम जो है ना वो उन्होंने पेंट जैसे उतारते हैं ना डिस्टेंपर वगैरह, वो उन्होंने उस टाइम कर लिया था। बाकी जो पेंट है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद फ्राइडे नहीं हुई थी, तो फ्राइडे मेरा सारा रूम पेंट हो गया, सारा फर्नीचर हमने पॉलिश किया। तो बस ये है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी कि मेरी एक एक बोन जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि टूट गई। खैर ये बात की स्टोरीज़ बाद में आपको मैं बताऊंगी कि मैं और कितना जो है ना मैंने सफ़र किया। हालांकि मैं कितना एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, लेकिन आते ही ना बस बहुत मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। तो बस अब जो है ना वो बच्चों की तैयारी थी, तो मैं तो सोच रही थी कि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगी, लेकिन वही डिमांड होती है ना कि इन लाज में, और हस्बैंड भी कहते हैं कि ईद का दिन एक दफ़ा तो आता है कि फिर बंदा आए भी सही इन लाज में, मेके में, और रेडी ना हो तो ये पॉसिबल नहीं। फिर यही है कि ऊपर जो है ना मेरा रूम ऊपर है, तो बस मैं सारे बच्चों को रेडी करके फिर काफ़ी मैंने रेस्ट किया था, और उसके बाद जो है ना मैं अब आपको अपनी चीज़ें जो है ना वो दिखाने लगी हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने अपना मेकअप जो है ना वो स्टार्ट किया था, और ये मेरी बैंगल्स थी, और सारी चीज़ें ना मेरी आदत है मैं निकाल के रखती हूँ, तो ये कंटूरिंग के तौर पे भी मैं यूज़ करती हूँ। ये इतना अच्छा है, मैंने दुबई से मंगवाया था, इनफैक्ट मैंने दुबई से ख़ुद लेके आई थी जब मैं खुद गई थी ना, तो ये बहुत जो है ना काफ़ी टाइम से मेरे से चल रहा है। तो मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ ना, तो इसलिए इतने अरसे से मेरे पास ही है। ये भी नोज़ की कंटूरिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत अच्छी इससे लुक आती है, इतना प्यारा कलर है ना, तो ये भी मैंने वहीं से लिया था। तो बस बाकी मेकअप तो आप लोग मेरा मोस्टली जो है ना वो देख चुके हुए हैं।
और लिपस्टिक में मैंने दो शेड निकाले थे, एक जो है ना वो बहुत शॉकिंग पिंक था बट एक जो है ना वो बेबी पिंक था। तो मुझे शॉकिंग पिंक अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा मैं बेबी पिंक लगा लेती हूँ। और ये ड्रेस है मेरा जो मैंने यहीं पे स्टिच करवाया था, ये मैंने ना लिया था सिल्क का। इसके साथ गोल्डन ट्राउज़र है, रेड दुपट्टा है, लेकिन मैंने इस पर ना दबके कोरे का ना काम करवाया। अगर हम इस तरह के ड्रेसेस जो है ना अगर हम बाहर निशात से या किसी भी ब्रांड से लें, ट्रस्ट में वो 7,000-8,000 से कम नहीं मिलता थ्री पीस। बट मैंने स्टिच करवाया और इस पर थोड़ा सा काम करवाया तो ये मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया था, मतलब बन गया है। ये ईद जितनी मैं एक्साइटेड थी ना, तो ये ईद ना मेरी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस में गुजरी। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो ना तो उसमें अल्लाह ताला से ज़रूर आसानी मांगा करें। ये है कि जब तक हम आसानी ना मांगे ना तो हमारे साथ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज़ अगर हम आसानी ना मांगे ना तो काम तो हमारे हो जाते हैं लेकिन ये है कि फिर हमें मुश्किलात काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं। तो बस मुझे ये था कि मैं भी रेडी हो जाऊँ, कोई बात नहीं, इतने अरसे बाद मैं घर से बाहर आई हूँ और इतना एक्साइटेड भी थी, तो चलें ये है कि रेडी हो जाते हैं। और सेकंड ट्रेजेडी मेरे साथ क्या हुई कि यहाँ पे मैंने भेजे थे टेलर को ड्रेसेस और उसने इतने लूज़ बाजू और उसकी स्टिचिंग इतनी रफ़ की है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। अगर अब मैं यहीं पे हूँ तो अब जाके ना टेलर से सारे सेटिंग कराऊँगी। तो ये मेरे शूज़ हैं जो मैं आपको पहले दिखा चुकी थी, और बस ये था एक छोटा सा मेरा व्लॉग फर्स्ट डे का। अब आगे जो व्लॉग है ना वो मैं ईद के अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि आगे मेरे कज़न की शादी है, तो मैं इंशाल्लाह फिर वेडिंग व्लॉग जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको अपनी फैमिली के कुछ मेंबर से भी मिलवाऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग जो है ना वो काफ़ी लोग पर्दा करते हैं, नहीं आते कैमरा के सामने, लेकिन जिन फैमिली जो फैमिली जो है ना वो पर्दा नहीं करती, तो उन लोगों से मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो बस मैं जब यहाँ पे शूट कर रही थी तो फ़हीम भी मेरे साथ आके खड़े हो गए, क्योंकि फ़हीम अपना फेस तो नहीं दिखाना चाहते लेकिन इस तरह जो है ना वो फ़हीम मेरे साथ कभी कभी आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी और फहीम मुझे कह के गए कि जल्दी करो। यहाँ पे उन्होंने ना मेरे जो जेठ है उन्होंने डिनर प्लान किया हुआ था हमारा, वो कह रहे थे कि जल्दी से चलते हैं, अभी शाम होने वाली थी, उसके बाद हम गए थे एक जगह पे डिनर करने। तो वो डिनर वाली जगह भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जब मदर जो है ना वो तैयार हो और बच्चे आके नेल पॉलिश या मेकअप या लिपस्टिक ना लगाएँ, ये हो ही नहीं सकता। तो फौरन से ये ऊपर आई थी और कहती हैं कि हमें भी मामा नेल पॉलिश लगाएं। तो बस मैंने इनको ना यहाँ पे तैयार किया और फहीम बार बार मुझे डिस्टर्ब करने आ रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जो है ना फिर चलना हमने डिनर करने। तो मैं बच्चों को जल्दी से मैंने नेल पॉलिश लगाई और ये वैसे भी पहले से रेडी थी, तो बस मैं खुद भी रेडी थी और अब हम चलेंगे डिनर करने। तो वो भी मैं आपको क्लिप शेयर करती हूँ। यहाँ हमारा जो होम टाउन है ना वो डीजी खान है, डीजी खान में यहाँ पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जैतून के नाम से। तो हम यहीं पे गए थे डिनर करने, तो यहाँ पे हम बैठे थे, अभी खाना जो है ना वो ऑर्डर दे दिया था, लेकिन जैसे ही खाना आया था ना तो बहुत रात हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा क्लिप जो है ना वो शूट नहीं कर पाई। तो बस अब हम खाना इंजॉय करेंगे और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो व्लॉग होगा ना वो मेरा वेडिंग व्लॉग होगा। मैं आपके साथ अपने कज़न की वेडिंग के व्लॉग शेयर करूँगी। तो फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।